अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ माहिरा और आप देख रहे हैं इंडियन जायका। आज मेरी मम्मी बना रही है कीमा समोसा। इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए सीखते हैं। समोसा बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल लेंगे, 2 कप मैदा डालेंगे, सॉफ्ट रहेगा। अब हम इसको 20 मिनट तक ढककर रख देंगे। अब हम समोसा के लिए मसाला तैयार करेंगे। मसाला बनाने के लिए एक फ्राई पैन लेंगे, 2 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे, 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, 3 बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। चार से पांच बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच कुटा हुआ धनिया डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला डालेंगे। इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब इन सबको 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें 250 ग्राम चिकन का कीमा डालेंगे। कीमा को अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे और अब पानी के सूखने तक ढककर पकाएंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। ये देखिए, पानी सूख चुका है। अब हम इसमें 1/2 नींबू का जूस डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ता और थोड़ा सा पुदीना डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, कीमा फ्राई हो चुका है। अब हम समोसा बनाएंगे। समोसा के लिए हमने जो आटा गूंदा है उसको 1 मर्तबा और अच्छे से गूंद लेंगे। ये देखिए, आटा रेडी है समोसा बनाने के लिए। अब हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा लेकर रोल कर लेंगे और छोटी छोटी रोटी बना लेंगे। अब हम इस रोल को 2 हिस्सों में कट कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगाकर समोसे के शेप में फोल्ड करेंगे। एक से 1.5 चम्मच कीमा डालेंगे और ऊपर से थोड़ा पानी लगाकर बंद कर देंगे।
और इसी तरीके से सारे समोसे को बना लेंगे। ये देखिए समोसा फ्राई करने के लिए रेडी है। समोसा फ्राई करने के लिए एक फ्राई पैन लेंगे, 2 कप तेल डालेंगे, तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। ये देखिए तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें समोसे फ्राई करेंगे।